चलिए बात मध्य प्रदेश ही करेंगे। खंडवा में एक सड़क हादसा हुआ, कार सवार ने मजदूर को रौंद दिया। कई किलोमीटर तक मजदूर को ये कार घसीटते हुए ले गई। मजदूर की मौके पर मौत हो गई है। युवकों ने बाइक से पीछा कर गाड़ी को रुकवाया। रामनगर माता चौक से सिविल लाइन स्टेडियम तक मजदूर को ये गाड़ी घसीटते हुए ले गई। तो ये देखिए, इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार गाड़ी मजदूर को घसीटते हुए अपने साथ ले गई और पीछे से आ रहे युवक ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया, कार सवार को रुकवाया। जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ शेख रेहान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शेख, क्या कुछ जानकारी, और क्या जो गाड़ी का चालक था वो नशे में धुत था? मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मामला है कल रात का है, इसमें जो युवक है वो माता चौक तरफ से आ रहा था और ये गाड़ी जो आ रही थी वो भी इसके पीछे ही थी। अचानक ये जो गाड़ी में इतनी स्पीड से आ रही थी कि इसने इसको रौंदते हुए निकल गई। रौंदते हुए निकलते हुए ये माता चौक होते हुए गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम तक पहुंची और जो भी प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने उसको देखा और उसके बाद उस गाड़ी का पीछा करते हुए, आप देख भी रहे होंगे कि वीडियो भी बनाया और उसको गाड़ी को आगे जाकर के रोका। और ड्राइवर उस समय तक पुलिस को सूचना दे दी गई थी, पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। युवकों ने आरोपी को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में जो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इस खतरनाक घटना और दर्दनाक घटना को हमने पहले इस तरह से कभी नहीं देखा है, क्योंकि अपनी जान बचाने के चक्कर में वो ड्राइवर जो नशे में बताया जा रहा था वो उसने दूसरे की जान ले ली। ठीक है, बहुत धन्यवाद शेख जानकारी साझा करने के लिए। शेख रेहान संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे। और देखिए, बताया जा रहा है कि जो कार सवार था नशे में धुत था, तेज रफ्तार कार थी, मजदूर को रौंदते हुए निकल गई, अपने साथ ले गई। और ये बताया जा रहा है इतना दर्दनाक हादसा कि कई किलोमीटर तक मजदूर इस गाड़ी में घसीटता हुआ चला गया। पीछे से जो युवक आ रहे थे, बाइक सवार युवक, उन्होंने गाड़ी को रोका और उसके बाद चालक को पुलिस के हवाले किया गया। लेकिन एक बड़ा हादसा और दर्दनाक घटना खंडवा से सामने आई है।